हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। तो वीकली पे काफी स्ट्रॉन्ग रही कैंडल, बुल्स ने पूरी स्ट्रेंथ यहां पे दिखाई इस जगह पर, यहां पे इस वीक में। और देखो प्रीवियस वीक में भी यहां पे जो 5 बार से पूरा कंटिन्यू नेगेटिव हो रहा था, तो यहां पे इसका लो ब्रेक नहीं करता इसने। तो यहां पे इसमें पहले क्लोजिंग अच्छी थी, उसके बाद इस वीक में काफी अच्छी क्लोजिंग थी इसमें। अब देखो वीकली में अगर जब भी ये प्रीवियस जो हाई है अप्रोक्स मतलब 20,000 के आसपास 19,991, अगर इसके आसपास एक बार यहाँ आता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकता है यहाँ पे ये कंडीशन इस हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। ये वीकली के हिसाब से हमारा लेवल है, तो अगर कभी भी आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं डेली पे क्या कंडीशन दिख रही है। डेली पे देखो एक बार अभी यहाँ पे जो डेली पे आसपास अगर जो पहला रिजेक्शन लेवल दिख रहा है वो है 19869 का, और इसके आसपास का दिख रहा है यहाँ पे। बाकी ट्रेंड काफी सही चल रहा है यहाँ पे, तो जब तक अभी मेजोरिटी में यहाँ पे 19227 का लेवल ब्रेक नहीं करता अब तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे नेगेटिव साइड में। यहाँ पे बाकी छोटे मोटे अभी तो यहाँ पे करेक्शन वगैरह आते रहेंगे इंट्राडे में से, वो सब चीज चलती रहेगी या फिर शॉर्ट टर्म में से चलता रहेगा। वो काफी देखो वॉल्यूम भी काफी अच्छी यहाँ पे बनी है इस तरीके से देखा है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे देखा तो कोई कंडीशन काफी सही है। अब छोटे टाइम पे देख लेते हैं एक बार इंट्राडे के लिए लेवल्स रह सकते हैं यहाँ पे। ये देखो अपन ने बात करी थी इसी जगह यहाँ पे बॉक्स की रेंज थी यहाँ पे कि ये इस जगह से कहाँ पे निकलता वो देखा जाएगा। अगर इसमें यहाँ पे एक रेंज के पास नीचे निकलता है बहुत यहाँ तक आ सकता है, ऊपर निकलता तो मोमेंटम बन सकता है। ऊपर एक बार निकला वापस इसने, लेकिन बेस यहाँ पे बना के फिर एक अच्छा मोमेंटम दिया 19867 तक। अपने जो टारगेट थे यहाँ पे वो इस बार एग्जिट पूरा यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट वही लाइन पर टच करके आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इसमें थोड़े बेटर देखते हैं उसमें प्रीवियस लेवल क्या है। अब देखो यहाँ पे कोई ज्यादा खास रिजेक्शन लेवल दिख नहीं रहा इसमें। अब मेन जो लेवल आएगा वो तो वही है मेन जो ऑल टाइम हाई चल रहा है वहाँ पे उस जगह के आसपास ही रिजेक्शन लेवल है। तो मिड में अगर कोई ऐसी कंडीशन दिख मिली तो हम कंसिडर ये करेंगे टॉप पे जो आ रहा है रिजेक्शन लेवल यहाँ पे उसी के आसपास का वो है 19993 के आसपास का। तो ये 100 पॉइंट के अप्रोक्स यहाँ पे हम एक बार टारगेट देख के चल रहे हैं यहाँ पे इस जगह के आसपास का जो मेन रिजेक्शन लेवल है उसके मिड में ऐसी कोई खास कंडीशन दिख नहीं रही यहाँ पे रिजेक्शन की, ठीक है। और अभी जो आज का डे हाई है यहाँ पे फ्राइडे का जो हाई है यहाँ पे उसको सबसे पहले ब्रेक करने देते हैं यहाँ पे, इसको बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसके पहले देखिए इसको हम यहाँ से मिड में से हटाते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे अगर ये ओपन कहीं भी होता है, ठीक है, तो पहला सपोर्ट लेवल हमारा बनेगा 19793 के आसपास का लेवल बनेगा, ये सपोर्ट लेवल बनेगा। और इसमें एक रेंज बन सकती है यहाँ पे, इसी रेंज के बीच में डायरेक्शन देना पड़ेगा इसको यहाँ पे। अगर अपसाइड में ऊपर निकलने के लिए 19867 के ऊपर निकलता है तो 19993 के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इसके आसपास के। हो सकता है देखो 10-15-20 पॉइंट यहाँ पे उससे पहले से रिजेक्शन ले लेंगे, ये प्रीवियस मतलब मेन जो ऑल टाइम हाई है हमारा, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसका ध्यान रखना। और डाउन साइड में देखो अब यहाँ पे ये अगर इसको ब्रेक करता है 19793 को तो फिर हमारे को नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस रेंज के यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रेंज देखना है यहाँ पे, ये काफी अच्छी यहाँ पे इसने ब्रेक लगाया था उसके बाद यहाँ से निकला तो इस जगह पर इसने सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे आपस एक बार बाइंग आ सकती है अगर इनकेस यहाँ पे आता है तो इस जगह पर, ठीक है। तो इसको निफ्टी को इस अकॉर्डिंग देखना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो ये हटाते हैं यहाँ से सारी लेवल्स वगैरह। वीकली पे देखो कंडीशन में भी अच्छी चल रही है यहाँ पे, पर ये भी थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है अभी, तो इसमें टाइम है यहाँ पे। इसके साथ निफ्टी चल रहा है, निफ्टी काफी अच्छा चल रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा था इसमें यहाँ पे। कंडीशन में भी पॉजिटिव है, धीरे धीरे वॉल्यूम भी यहाँ पे बनने लगी मार्केट में। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो पैटर्न काफी अच्छा चल रहा है, जब तक कि पैटर्न को इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से ये वाला, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर जब तक चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और हम इंट्राडे में देखते हैं यहाँ पे इंट्राडे में क्या रहा है हमें। इंट्राडे में देखो यहाँ पे तो इस जगह के आसपास पहला रिजेक्शन लेवल था, तो थोड़ा मॉर्निंग में जो रिजेक्शन लिया यहाँ पे इसी जगह के यहाँ पे लिया था, धीरे धीरे इसको मोमेंटम को ब्रेक करता गया और नेक्स्ट जो लेवल था यहाँ पे निकालता गया, और ये 45,370 का जो टारगेट था वहाँ तक पूरा से मार्केट ने इसको टच करा यहाँ पे। अब हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन लग रही है इसमें, थोड़ा सा पहले लेवल हटाते ताकि क्लियर हो जाए चार्ट वगैरह। यहाँ पे ये वाली एक रेंज है ना यहाँ पे इस जगह पर, ये इसने यहाँ पे एक रेंज बना इस जगह, देखो ये वाला एरिया यहाँ इसने एक चार्ट बनाया, इसको ट्रेंड लाइन देखते हैं हम ट्रेंड लाइन तुम यहाँ पे ये सीखे ये वाला इसने एक ना पैटर्न बनाया अपसाइड की तरफ यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा भी इसमें गिरता है तो फिर एक बार यहाँ पे ये इस जगह तक आने के चांस रहेंगे इसको इस रेंज में, तो फिर इस रेंज में आके यहाँ पे एक बार ये ब्रेक ले सकता है, ये वाली रेंज बनाएगा भी ये, ठीक है। और लाइन वगैरह हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से ये, अगर इस रेंज में यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसको इस जगह वापस से बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। ऊपर रिजेक्शन लेवल कहाँ आएगा 45,377 के यहाँ पे, ये रिजेक्शन लेवल रहेगा इसके बाद। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे आता है।
पैंतालीस 377 के बाद में आता है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये वाला लेवल 45,743 का, जो मेजर लेवल तो ये है, और उससे पहले आएगा एक बार 43,543 का, तो उसके बाद आएगा 45,724 तक के आसपास का, ठीक है। तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स हो जाएंगे यहाँ पे अभी मंडे के हिसाब से, इसमें देखो ठीक है, ऊपर निकलता तो 45,543 का टारगेट, 45,724 तक के टारगेट में देखने को मिल सकते हैं, और डाउन साइड में काफी अच्छे सपोर्ट लेवल मिलेंगे, काफी दिनों बाद निकला है बैंक निफ्टी, तो इजीली यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ पे कंडीशन नहीं आने देंगे, थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने वापस से यहाँ आ सकता है, रिटेस्ट करके वापस से निकलेगा तो फिर नेक्स्ट मोमेंटम काफी वापस से अच्छे से निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो इतने दिनों के यहाँ पे रेंज बनाई थी इसने, तो इस रेंज को जब ब्रेकआउट देकर निकला है तो वापस से काफी अच्छा मोमेंटम देने के चांस रहेंगे, अगर बाई चांस यहाँ पे इस जगह पे आ जाए 44,686 के आसपास मिल जाए यहाँ पे इस जगह को ब्रेक यहाँ पे, तो फिर बाइंग के लिए अच्छा मोमेंटम बन सकता है इसी जगह। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में क्या रहेगा, फिर निफ्टी का वीकली और वो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट तो सेम ही रहेंगे, बैंक निफ्टी की तरह रहते हैं, तो हम इसका डायरेक्ट इस पे देखते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे पे जो पहला सपोर्ट लेवल था हमारा ये रिजेक्शन यहाँ से इसने निकला, तो फिर ये सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था, तो इसी को यहाँ से बनाया, अब हम बीच में से यहाँ से हटाते हैं सारे एक बार, देखते हैं कंडीशन क्या रहती है। चार्ट भी इसका देखो सेम वही बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, अब इसमें डे हाई अगर यहाँ पे जब भी ब्रेक करेगा तो फिर 20,271 के टारगेट, उसके बाद है 20,346 फिर 373 ये टारगेट बन जाएंगे हमारे फिर निफ्टी में यहाँ पे, और इसमें अब सपोर्ट लेवल देखो मेन तो वही है यहाँ पे इस जगह पर आएगा एक बार इस जगह के आसपास का 20,046 के आसपास का, बाकी तो ये रेंज में तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे करता रहेगा, बाकी यहाँ एक बार आता है हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं कंडीशन देखिए, अगर प्राइस एक्शन से कुछ बनता है तो यहाँ पे एक बेस बना के अगर ऊपर मोमेंटम निकालता है तो फ्लो में अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 19,976 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद ये एक रेंज में यहाँ पे इसको रेंज बनाता हूँ मैं यहाँ पे लेवल हटा के ये वाली रेंज में इस जगह पर यहाँ पे आ सकता है वापस से ये, फिर अगर ये ब्रेक करता ऊपर ठीक है, तो इसको लेवल्स को हम यहाँ से हटाते हैं, तो ये फिर प्राइस एक्शन काफी अच्छा हो जाएगा इसका, 20,046 अगर ब्रेक करा तो फिर ये 20,000 का जो लेवल है यहाँ पे 19,965 20,000 की रेंज यहाँ पे इस जगह पर काफी अच्छा मोमेंटम इसको बाइक के लिए मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स।